हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है अनिरुद्ध। आज मैं वापस से ब्लॉग बनाने वाला हूँ, मतलब एक टाइप से ब्लॉग प्लस अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो एक्चुअली आज की मेरी स्कूल की पीटी है। जैसे कि हमने बहुत सारे ब्लॉग शूट किए थे कि एग्ज़ाम ओवर, एग्ज़ाम के बीच में, आप वो वीडियो ज़रूर देखना मेरे चैनल पर, है ना। और उसमें हमने दिखाया था कि हम कैसे मस्ती करते हैं, हमें क्या मम्मा से डांट पिटती रहती है, हमारे एग्ज़ाम खत्म होते तो हम करते क्या है ना। तो आज मैं बहुत सारा सामान लाया हूँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं, कुछ सामान है जिसको मैं अनबॉक्स करूँगा आज। मतलब मैंने बोला ना अनबॉक्सिंग टाइप व्लॉग है। तो आज पीटीएम थी मेरी और मैं वन ऑफ द टॉपर्स था क्लास का। तो मतलब एज ए गिफ्ट कुछ चीज़ें मिली हैं और बुक्स और कॉपीज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुक्स और कॉपी से थोड़ा। तो पहले चुन्नी फेंको मम्मा की, कट कट कट। ओके, तो ये फर्स्ट हमारी कंप्यूटर बुक, टच पैड। इसमें भी ये 9 चैप्टर की बुक है, वो भी 5th क्लास की। हमारी 4th क्लास की बुक इतनी खतरनाक थी, तो ये सोचो ये कितनी खतरनाक हो। ऐसे एक बात बोलूँ, इसमें मोस्ट ऑफ द है ना क्लास 3rd 4th 5th में ये मोस्ट ऑफ द चैप्टर सीखते थे। जैसे स्क्रैच है वो क्लास 3rd से हमारा कॉमन चैप्टर है। तो लेट्स सी अब क्या होगा। कंप्यूटर तो हो गया, ठीक है, जिसमें मेरे 50 में से 50 आते हैं हमेशा। तो मतलब क्लास 4th 3rd ईजी था, तो बहुत टफ लग रही थी मुझे। अब तो सच में आ गई है मेरे पास 5th क्लास की, तो अब मुझे सच में देख के डर लग रहा है। ठीक है, 3 अप्रैल से स्कूल शुरू है, आज तो 27 है। ओह देखो कितने क्यूट सी बुक है ये, एकदम मस्त। मैथ्स इज प्राइम, कितनी क्यूट बुक है। ऐसे स्टार फिश बनी हुई है, ऐसी क्यूट बुक आने लग गई भाई आजकल तो। और इसमें भी है भाई चैप्टर, तो 13 चैप्टर। और वो भी चैप्टर के अंदर टॉपिक के अंदर सब टाइटल भी दे रखे हैं, सब टॉपिक भी दे रखे हैं। सब टॉपिक तो है इसके अंदर, सब टॉपिक और सब टाइटल भी दे रखे हैं। और ये नई चीज़ें आ गई भाई, डेसिमल्स आ गया, परसेंटेज आ गया, सिमेट्री पैटर्न्स, नेट पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। भाई अभी नहीं पढ़नी है बुक मुझे, बाद में पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे जब पढ़ने का टाइम होगा। ये तो मेरे रिपोर्ट कार्ड है। स्कूल वालों ने बोला है कि अब आप स्टोरी बुक, मतलब ये अच्छी चीज़ है बाय द वे, मेरी रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी इससे। उन्होंने बोला है कि मतलब लाइक हम खाली बैठ के क्या करते हैं, फ़ोन चलाएंगे या फिर टीवी देखते हैं ना, सिंपल यही काम होता है। तो उन्होंने बोला है कि आप इसे पढ़ो और फिर क्लास में इस पर डिस्कशन होगा। मतलब इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही स्टोरी, इसमें कुछ न्यू वर्ड भी हैं। तो मतलब अच्छी है, मतलब मेरे वे में ना गंदी है, बहुत गंदी भी नहीं है, ना अच्छी है, मतलब नॉर्मल मीडियम। को मेरा चेहरा दिख रहा होगा लाल हो गया है पूरा, ये होली की वजह से आप जानते ही हैं। और सबसे एक्साइटिंग चीज मेरे अच्छी लगी क्या है अभी, अच्छा ये तो वो लिखा है कि आपको क्या मिल रहा है हमारी लाइफ से। ऐसी इतनी बढ़िया चीज गाइस, पता है ये वाली फ्रेंड्स, मतलब ये वाली एल्बम के ना हमारी क्लास 3rd में 2nd में 1st में मैंने यूज़ की थी। तो भाई ये नहीं तब वो तो उस टाइम की थी तो नहीं है, पर एक्चुअली क्या था ना, जब हम क्लास 4th पर ना एल्बमिक का पूरा कवर सब चेंज हो गया था, वापस मैंने वही करती हूँ, इतना पीऊँ क्या बताऊँ। सबसे पहले सिलेबस बुक, चलो हल्का सा देख के देखते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने चैप्टर नहीं पढ़े, छोड़ो। इंट्रोडक्शन पेज मेरा सिलेबस गाइस, पता है इसके बारे में एक चीज नहीं है, ये देखो
इसमें हमारा प्लानर है, आपको पूरे दिन क्या, इसमें हमें बताना है कि आपने आज क्या किया और मेरे डेली में करता क्या हूँ, मतलब मैं करने क्या वाला हूँ आगे। जैसे कि मैं सुबह इसमें सुबह 6 बजे उठ गया, फिर मैंने उस टाइम क्या किया, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लिखी हैं गाइस, और यहाँ पे इनिशियल्स भी लेने पड़ेंगे मम्मी पापा के, मतलब साइन लेके पहले कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि बोल दो कि मम्मा हाँ मैंने तो लिख लिया, और मम्मी बोले साइन नॉट साइन, फिर मम्मा हाँ चलो मैं 1 मिनट में आया, फिर आप लिख रहे हो, फिर उसी टाइम पे मम्मी आपकी चप्पल उड़ाए। तो इसे ना मतलब अभी मेरे को मम्मी से समझना पड़ेगा, तो तभी मैं ऐसे कर सकता हूँ, कि अभी तो समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे करनी है। और गाइस इसमें इतना कुछ खास तो नहीं है, तो एक काम करते हैं अच्छे पार्ट की तरफ चलते हैं, स्किप टू द गुड, ठीक है। तो फर्स्ट अभी मैं टॉपर्स था, तो फिंगर्स मेरे फेवरेट, वो भी मसाले तड़का, ये मेरे देसी मसाला तड़का मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा जो भी प्रिंगल लो तो ये फ्लेवर लो मेरे साइड से, तो बहुत टेस्टी होता है। जो भी जिनको भी स्पाइसी चटपटा पसंद है ना, वो तो ये लो, सेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टिफिन बॉक्स, ये मेरी दीदी का टिफिन बॉक्स है, चिपमा, वाह बहुत क्यूट है, ओ माय गॉड भाई फंस गए। चप्पल पड़ेगी मेरे गाइस, अटक के आके अगर टूट गया तो मेरी दीदी है, मेरा टिफिन बॉक्स टूटेगी, मेरा तोड़ दे। कोशिश करने वाले की हार तो नहीं होती, कोशिश कैसे करूं, निकल गया, ये अटक गया था ऐसे होके, स्नैप खाना मतलब कुछ भी लेके ला सकते हो। पता है हमने वहाँ पे टेस्टिंग की थी, इसमें पानी डाला था, उन्होंने बोला कि मतलब हमने लगा कि तो यार मतलब हमें तो मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उनसे कि मतलब ऐसे पानी से ले कि यार बहुत बहुत ऐसे होता है कि मैं ना बोलते ऐसे और फिर निकलता उसका सब कुछ है ना, तो हम हमेशा टेस्ट करके आते हो कि देखो बाद में फिर वो एक्सचेंज भी लेते, बोलते हैं कि आपने आप हमें क्या पता आपने दूसरे कहीं से आपने खरीद के ला के आप मुझे हमें गलत क्वालिटी का देते हो, तो इसमें हम हमेशा टेस्ट करके लाते हैं। हमने उनके पास पानी की बॉटल थी ना, तो हमने उससे उन्होंने बोला कि आप एक बार टेस्ट करके दिखा दिए तभी हम लेंगे वरना आप लेंगे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हम आपको टेस्ट भी करके दिखा देते हैं। और ये नेक्स्ट मेरा, अभी दिखाता हूँ बॉयज का कोट होता है, गर्ल का तो बहुत गंदा सा होता है, दीदी का बहुत गंदा था, दिखाऊं गाइस, शू कार है इसमें, कार ये भाई क्वालिटी कार पर क्वालिटी एकदम क्लियर है, मस्त है, सब एकदम प्रिंटेड है, कुछ भी गलत नहीं है, जैसा उस दीदी का था ना वैसा मेरा है, बट कलर का डिफरेंस है ना बस, और शीट मिल गया इसके ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे ना स्क्रैच। इसमें टेस्टिंग की थी गाइस, दिख रहा होगा आपको थोड़े वाटर ड्रॉपलेट से हमने वहाँ पे टेस्ट किया था, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पे विश्वास क्या करूँ। और गाइस
आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत से सब कुछ दिखा रहा हूँ, आपको टाइम निकाल रहा हूँ अपने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना कि अभी आप सबके एग्जाम ख़त्म हो गए या नहीं, आप कर क्या रहे हो अभी घर में। मतलब बहुत से बच्चे तो यही कर रहे होंगे, टीवी, मोबाइल और गेम्स। कहीं सच बताऊँ मैं भी यही कर रहा हूँ। और क्या करोगे आप, पढ़ोगे तो नहीं, बुक आ गई पढ़ोगे क्या, क्या पढ़ोगे आप, कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा आपको, चाहे कोई भी पढ़ाने की कोशिश करे। यही बोलेंगे हम सब, आप सब यही बोलते होंगे ना कि मम्मा हम कैसे करेंगे, मेरे को सिलेबस ही नहीं पता, हम समझेंगे कैसे, जब तक मैम नहीं समझाएंगी। हम हमेशा अपनी मम्मी से इस बात पे लड़ते हैं कि मम्मा यार मैम समझेंगी, मैम समझेंगी, हमें तो बोलते हैं कि मम्मी की आप मम्मा आपकी बात समझ नहीं आ रही, मम्मा आपकी बात समझ नहीं आ रही, तो हम वही करते हैं। सो लास्ट चीज रह रही है हमारी कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है ना, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखती मुझे वीडियो, 10 मिनट की हो गई है। तो यह हो गया, और कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। ये थैली खाली, इसमें मैं सब रहता हूँ। और ये एक्चुअली गाइस दिक्कत क्या है ना, हम पहले मतलब मेरे को है ना दही बहुत शौक है दही का, तो एक दिक्कत होती थी कि हम दही को रखेंगे कहाँ। हमें वाटर प्रूफ चाहिए था, एकदम वाटर प्रूफ, तो हल्का कभी पानी में ही निकले दही का, है ना। तो क्या था ना, पहले मेरे पास प्लास्टिक का था, उसमें से ना ये जैसे मान लो ये बंद है, मतलब आप एकदम क्लोज होते तो प्लास्टिक का था, प्लास्टिक थोड़ा इलास्टिक था, तो है ना यहाँ से उसके ऐसे लिक्विड निकलता था ऐसे 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 ऐसे, तो वो दिक्कत होती थी। वो बैग गीला हो गया था मेरा एक बैग, उससे तो इस टाइम से चेंज करा दिया, मतलब प्लास्टिक में से ऐसे मम्मी पापा है ना, मतलब थोड़ा प्लास्टिक कम यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा स्टील की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्लास्टिक कम से कम यूज़ कर रहे हैं, एकदम से तो ख़त्म नहीं हो सकता, कम से कम तो यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस अब हम यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं। तो और गाइस मतलब किसी को कुछ ऐसा कुछ पूछना हो ना, लाइक फोर्थ क्लास से रिलेटेड का, मतलब जो मतलब लाइक क्लास फोर्थ में एकदम एंटर करेंगे ना, तो अगर आपको कुछ ऐसा पूछना हो उछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। और कुछ बुक्स और कॉपीज हैं जो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। एक तो ये मेरी मैकबुक लेट है, और ये मेरी SST बुक है, और इसमें ओलंपियाड ट्रिप गाइड है, साइंस की बुक है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर। और गाइस अभी मैम ने बोला है कि हिंदी रीडर बुक है ना हमारी, वो अभी नहीं, अभी आई नहीं है, वो आएगी तो वो आपको उन्होंने बोला कि आपको स्कूल भी बता देंगे। तो ऐसी कोई नॉर्मल बुक्स है, मतलब क्लास फिफ्थ की, मतलब जो फिफ्थ होंगे तो पता होगा। तो गाइस तो यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं हमारा, व्लॉग प्लस अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आप बताना आपको कैसा लगा, और इतनी मेहनत के लिए मैं वापस बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को ग्रो करो जल्दी जल्दी, कि क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, मतलब मैंने तो बहुत देखे हैं, 15,000 लोग भी देखते हैं वीडियोस को। तो आप बस आपका सपोर्ट चाहिए, हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स बाय, और अब हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग पे, अनबॉक्सिंग वीडियो पे। तो बाय।